अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि देखिए, आज हम बना रहे हैं कोकोनट और मेथी दाने का ऑयल बाल लंबे करने के लिए। ठीक है, चले आइए वीडियो स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बाल लंबे करने के लिए ऑयल। ठीक है, ये हमारे पास नारियल का तेल है और ये हमारे पास है मेथी दाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नारियल का तेल। ठीक है, ये हम आपके अपने बालों के हिसाब से इसमें ऐड करना है, जितने आपके बाल लंबे हैं उसी हिसाब से। ठीक है, नारियल का तेल, ठीक है, हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मेथी दाना। ठीक है, ये 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। ठीक है, ये हम इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको आग पे रखेंगे ताकि ये पक जाए, लेकिन हम इसे जलने नहीं देंगे जिससे हमारा तेल जल ना जाए, ये ब्राउन हो गया। ये देख फ्रेंड्स, इसको हमने रख दिया है आग पे। ठीक है, तो ये पकेगा। आप इसको 1 वीक यूज़ करेंगे, आपको इसका रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ और मैंने अभी स्टार्ट किया है। आप इसको 1 वीक यूज़ करेंगे, आपके 1 से 2 इंच बाल लंबे हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोकोनट ऑयल ही ऐड करो, आप इसमें सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो तेल आपको मतलब आपके बालों के हिसाब से आपको सूट। इसको हमने लो फ्लेम में बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हो गया है, बस ये ब्राउन ही होने वाला है। थोड़ी देर बाद हम इसको ये चूल्हे से उतार के इसको हम पानी में रख देंगे, ये ठंडा होने के, ये ठंडा हो जाए। ये देखिए ये पक गया है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है फ्रेंड्स, ये ब्राउन हो गया है। ठीक है, ये मतलब ऐसा ही हो जाता है इसका कलर, लेकिन इसके जो अभी हमने ऑयल ऐड किया होता है वो जलता नहीं है। ठीक है, इस तरह हो जाता है। देखिए, इसी को हम यहाँ से उठा के इस पानी में रख देंगे। ठीक है, एक जैसे मैंने पानी ले लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इतना भी आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस नीम गर्म रखना है ताकि आप अब इसको अपने स्कैल्प पे लगाएं। ठीक है, तो आपने अपने पूरे बालों पे लगाना है, जड़ों पे भी लगाना है और बालों की लेंथ तक लगाना है ताकि ये आपके बालों पे अच्छा काम करे। ठीक है, ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। इसे डेली लगाए आप, बेशक इसको ना रात में लगाए और सुबह इसको वॉश कर लें, फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये हमारी आज की रेमेडी है। बताना ज़रूर, रिव्यू बताना, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है और मैं खुद अप्लाई करती हूँ। ये अभी मैं थोड़ी देर में अप्लाई कर लूँगी। ठीक है।